हाय गाइस, आई एम बैक विद द न्यू रेसिपी। और आज की रेसिपी है व्रत वाले क्रिस्पी पैनकेक। यह पैनकेक हम आलू और सिंघाड़े के आटे से बनाएंगे। ये बहुत ही कम तेल में झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप इसे दही या फिर अपनी मनपसंद व्रत की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 से 8 पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कच्चे आलू, 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 हरी मिर्च कटी हुई, काली मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, घी या तेल फ्राई करने के लिए। पैनकेक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले कच्चे आलुओं को छील के उसे पानी में रख देंगे। पानी में रखने से आलू काले नहीं पड़ेंगे। फिर हम एक कद्दूकस की मदद से आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। हम आलुओं को मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे। आप वीडियो में देख सकते हैं, आलू ऐसे लच्छेदार शेप के होने चाहिए, ना ये बहुत पतले हैं ना ये बहुत मोटे हैं। हमारे पैनकेक के लिए परफेक्ट है। अब हम इन आलुओं के लच्छे से निचोड़ के पानी निकाल देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे आलू के लच्छों में ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो हमारा पैनकेक का बैटर पतला हो जाएगा। ने आलू के लच्छे से पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। हम यहाँ पे जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। फिर हम डालेंगे 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा। हम सिंघाड़े के आटे की जगह राजगीरे का आटा या फिर साबूदाने का आटा, साबूदाने को हम मिक्सी में पीस के उसका आटा बना के डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम कुट्टू के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच हरी धनिया बारीक कटी हुई, डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दरदरी की हुई मूंगफली। मूंगफली को हमने पहले भून लिया है और फिर उसे मिक्सचर में दरदरा पीस लिया है। मूंगफली एक क्रंची बाइट देगा आपके पैनकेक को। डालेंगे 2 चम्मच दही। दही हम अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसकी जगह पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक या अपने स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा सूखा है तो आप 1 चम्मच और दही इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे आपका मिक्सचर गीला हो गया है तो आप सिंघाड़े का आटा और डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पैनकेक का बैटर इस टेक्सचर का होना चाहिए जैसा वीडियो में दिखाया गया है, इससे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। हमें इस पैनकेक्स को सेकना है। सेकने के लिए हम किसी भी तवा या फिर पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा गहरा हो जिससे हम उसे ढक सके आसानी से। पैन में हम सबसे पहले घी या तेल लगा लेंगे, फिर हम अपने बने हुए मिक्सचर को स्पून या फिर फोक की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे। हम उसे शेप दे देंगे गोल या फिर जिस शेप में भी आपको चाहिए। हमने यहाँ पैनकेक्स को छोटा गोल शेप दिया है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पतले नहीं हों और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों। एक तवे पे 2 से 3 पैनकेक्स आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 पैनकेक्स बनाए हैं। पैनकेक्स बनाने के बाद हम उसके ऊपर घी लगा देंगे थोड़ा सा। चाहे तो घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ढक कर 2 मिनट तक धीमी आँच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने पैनकेक को पलट के दूसरी तरफ से भी पका देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे पैनकेक्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसका मतलब ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और पक चुके हैं। अब हम फिर से इसे ढक के दूसरे साइड से भी पकने देंगे। आप चाहें तो इसे बिना ढके भी पका सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हमने 2 मिनट और पका लिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। हम आपको पास से दिखाते हैं, हमारे पैनकेक्स ऐसे गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। हमारे क्रिस्पी आलू के पैनकेक्स तैयार हैं सर्व करने के लिए। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व। आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार मनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। योर वैल्युएबल कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।